कोरोना काल में रोजगार या आमदनी का जरिया छिनने से आम आदमी कर्ज के बोझ तले दब रहा है। यहाँ तक कि लोगों की बचत भी कम हो गई है। वहीं कोरोना ने कंपनियों को कर्ज घटाने में मदद की है, साथ ही साथ तमाम सरकारी योजनाओं ने बाजारों में पैसे भी मुहैया कराए हैं। इसका फायदा कंपनियां जमकर उठा रही हैं। इसके असर से कंपनियों ने बीते एक साल में 60% से ज्यादा कर्ज घटाया है। जानकारों का मानना है कि कोरोना में वर्क फ्रॉम होम समेत अलग अलग तरीकों से कंपनियों को खर्च घटाने में मदद मिली है। इसके असर से उनके पास बतौर पूंजी ज्यादा रकम है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बैलेंस शीट को हल्का करने पर कर रहे हैं। कोरोना काल में जिन नामी कंपनियों ने अपना कर्ज का बोझ घटाया है, उनमें शामिल है टाटा स्टील, जिसका कर्ज मार्च 2020 में 1,16,328 करोड़ रुपए था। मार्च 2021 में ये 24% घटकर 88,501 करोड़ रुपए रह गया। इसी तरह टाटा पावर भी अपने कर्ज को 57% घटाकर 20,768 करोड़ रुपए पर ले आई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कर्ज 84,691 करोड़ रुपए से 24% घटकर 64,194 करोड़ पर आ गया है। वेदांता का कर्ज 30%, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का 34%, जिंदल स्टील का 41% कम हुआ है। वहीं रिलायंस इंफ्रा का कर्ज 49% घटकर 8,781 करोड़ रुपए रह गया है। अनिल अंबानी के रिलायंस पावर ने कर्ज 28% तक घटाया है। जानकारों का मानना है कि अगर कंपनियों की बैलेंस शीट को गौर से देखा जाए तो केवल बड़ी कंपनियां ही इस मामले में आगे नहीं है। तमाम लिस्टेड कंपनियों में यही ट्रेंड देखने को मिला है और गैर लिस्टेड कंपनियों ने भी इस चलन के साथ ताल मिलाने की भरपूर कोशिश की है। कंपनियां इस वक्त महंगे शेयरों से भी पैसा जुटाकर कर्ज घटा रही हैं, इससे कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी हो रही है। आगे चलकर इसका फायदा कंपनियों को निवेश बढ़ाने के तौर पर मिल सकता है।